अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह के करम से अच्छे ही होंगे। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, सिंपल था एकदम, और जा रही हूँ कुकिंग के लिए, कुकिंग करने। खाना बना रही हूँ, आज बना रही हूँ बैंगन का भरता और शामी कबाब। कल बनाई थी दाल गोश, तो है वो थोड़ा, इसलिए चलो आप चलते हैं किचन में। ये देखो गाइस, ये मेरा बैंगन का भरता बना रही हूँ। रोस्ट कर लूँ बैंगन को अभी। इसमें लेंगे ये प्याज है, प्याज ज्यादा लगता है इसमें, अनियन, और मैं करूँ वैसे भी ज्यादा ही लगती है। ये है दो टमाटर है, हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेना, अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट है हाफ टी स्पून, और ये हरा धनिया उसमें डालने के लिए बाद में। ये ऐसे की यही इतनी है, एकदम सिंपल है ये। और ये चढ़ा दी हूँ मैंने शाही कबाब बना रही हूँ, उसका चढ़ा दी अभी, वो पक रहा है। इसके लिए भी काट के रखी बारीक बारीक हरी मिर्ची है, अनियन है बारीक बारीक चॉप करने का, हरा धनिया है बाद में डालने का उसमें। ये सब है, ये बन रहा है अभी। चने की दाल देखी ना, थोड़ा सा गलने टाइम लगा, देख चेक करी थी मैंने, इससे मैं कटिंग करके रख ली हूँ मैंने, और इसको थोड़ा ये बोल सुंदर इसकी निकाल लेंगे, इनको ये निकाल लूंगी। इसको डाल देंगे प्याज, डालेंगे थोड़ी हल्दी, उस प्याज को अभी कर देंगे थोड़ा अच्छे से, एकदम ब्राउन नहीं करने का है, थोड़ा सॉफ्ट करने का है बस। देखो ये सॉफ्ट हो रही है, तो सॉफ्ट करना है थोड़ा। और आप इसमें, मैं जीरा डालना भूल गई थी क्योंकि मेरा हल्दी का डब्बा ही गिर गया आज मेरे से, थोड़ा सा जीरा भी डालना है इसमें। आप टमाटर के बदले अमचूर भी ले सकते हैं। हाँ, इसको मैश करके रख दी, जैसा मैश कर लेने का इसको अच्छे से। ये टमाटर और ये प्याज हो गया, इसको डाल दो। नमक भी डाल दिया मैंने, नमक तो अभी जैसे भी नहीं तो पहले डाल चुकी हूँ मैं, लेकिन अभी एक बार आपको नहीं देख रहा है तो बता रहे हैं उसको। ऐसा उसको अच्छा मिक्स करते हैं, थोड़ा सा उसको दम पे रख देंगे जब तक कि मेरा देखो कीमा वीमा सब हो गया ना, ठंडा होएगा ना, फिर इसको पीसूंगी मैं, टाइम लगेगा जब तक कि मेरे बन जाएगा काम। अभी हमारे क्लीनर भी आ गए, साफ सफाई हो रही है अभी घर की, जब तक कि मेरा बन जाएगा सब। राइस बनाना नहीं है, रोटी है, थोड़ा अच्छे से और इसको से करके इसको थोड़ा सा मैं दम पे रखूंगी। हरी मिर्ची डाली ना, हाँ हाँ, थोड़ा धनिया भी डाल देती हूँ, इसको सब मिक्स करके ना थोड़ा रख दूंगी। अभी साफ सफाई कर रहे हैं बालकनी का, मजा मजा ये सब क्लीन कर रहे हैं मेरी बालकनी, सफाई हो रही है अभी। अहमद भाई देखो साफ कर रहे, मेरी चिड़िया चू चू करते जा रही है। ये कबाब का पूरा मैंने सब बना दी, इसकी टिक्की है, अब इसको रख दूंगी थोड़ा फ्रिज में, जब खाने का रहेगा उससे पहले फ्राई कर दूंगी। ऐसा करती हूँ जब तक रोटी बना लेती हूँ, हो गया ये काम मेरा। देखिए गाइस, मेरे कबाब भी बन गए, शामी कबाब भी बन गए अपने। अब सब जरा किचन क्लीन कर रही हूँ, सब किचन का इसमें डालूंगी ये जीरा, इससे बहुत अच्छा साफ हो जाता है, जो भी दाग बाग रहेगा ना निकल जाता है गैस के ऊपर। नहीं सब निकल जाता है, सब हो गया मेरा काम पूरा, किचन का सब।
देखो ऐसे ये क्लीन होता है ऐसे ना जिप से, ये देखो सब हो गया, अभी सब वॉश कर दी मेरा सब, देखो जिप से धोती हूँ मैं, कितना साफ हो जाता है ना ये सब हो गया। बाकी सब अहमद भाई कर रहे हैं अभी, बाकी तो वो सब करेंगे, मेरा किचन का सब प्लेटफॉर्म वगैरह रोटी वोटी सब बन गया खाना, अब जा रही हूँ शावर लेने। ये देखो गाइस अभी हम चाय और समोसे शाम को, अभी ये समोसे हैं मैंने एयर फ्रायर में बनाई हूँ समोसे, ये चटनी है हमारी ग्रीन चटनी है, ये देखो ये हमारी चाय है, पी रहे हैं अभी चाय पियेंगे, मेरे हस्बैंड की चाय रखी है, मेरी चाय ये है, देखो यहाँ पी के बैठ रही, यहाँ बैठ के पीने अच्छा लगता है यहाँ पे ना, मेरे दीवान पे अच्छा लगता है ये। अभी हम लोग ये तो समोसा खाएंगे चाय पियेंगे, अभी हमारा शाम का टाइम है। ठीक है गाइस चलिए ये वीडियो में यही बंद करती हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुआ में याद रखना, कोई गलती हो तो माफ करना, फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो पे इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।